इस समय हम लोग कन्हान नदी के उस किनारे पर है जिस किनारे पर उसी से भंते धीर धम्म इनका चैत्य बना हुआ है, उसी से लगा हुआ जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलेन का चैत्य, उसी से लगा हुआ मजदूर नेता दादा साहेब नाह कुम्हारे का चैत्य। अपने आप में एक विशिष्ट भूमि है, लेकिन बौद्ध धम्म की जो जीवन शैली है और ख़ास तौर पर संघीय जो जीवन शैली है, बुद्ध धम्म के संघ की जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली का एक विशेष महत्व यहाँ भी है कि यहाँ भिक्षु जीवन का जो सीमा बंधन होता है उसका भी एक केंद्र इसी किनारे पर बनता है। इस समय भिक्षु संघ हमारे साथ है और आपको पता होगा कि भिक्षु संघ के जो सदस्य होते हैं उनमें भंते होते हैं, जिन्हें सामान्य जो परिव्राजक होते हैं उनमें श्रामणेर उससे पहले होते हैं, उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि स्थवीर, थेरो, महास्थवीर, महाथेरो, ये जो विशेषण भिक्षुओं के साथ जब जुड़ते हैं तो इसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है और इस वक्त यहाँ महास्थवीर जो भिक्षु बने हैं उनका ये पदवीदान और उनका जो धम्मीय स्तर पर जो विधि समारोह होता है वो अभी अभी संपन्न हुआ है। हम इस वक्त में उन भिक्षुओं से बातचीत करेंगे जो भिक्षु हमें यहाँ मिल पाए। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर शील वंश यहाँ उपस्थित हैं। उकास वंदामी भंते भंते, एक बात हम धम्म की परंपरा के अनुरूप ये जानना समझना चाहेंगे कि आज ये जो महास्थवीर के लिए जो उपसंपदा का जो एक विशेष विधि कार्यक्रम हुआ, इस विधि कार्यक्रम का बुद्ध धम्म की दृष्टि से क्या महत्व बनता है? तो बुद्ध धम्म में हम देखते हैं कि जो बुद्ध के समय से श्रामणेर, भिक्षु, थेरो, महाथेरो, इस प्रकार से जो है भिक्षुओं के उनकी जो दीक्षा होती है उस दीक्षा के समय से लेके जो है उनकी आयु गिनी जाती है कि वे जो है कितने साल के है। तो भिक्षु होने के बाद जो भिक्षु उपसंपदा होने के बाद 10 साल तक वर्षवास करते हैं, जिन भिक्षुओं का 10 साल तक वर्षवास पूरा होता है उसके बाद जो है स्थवीर या थेरो इसकी जो है संघ की ओर से उस प्रकार से उनको वो उपाधि दी जाती है। उसी प्रकार से जो थेरो होते हैं उनको जब उपसंपदा के 20 साल पूरे होते हैं तो जब वे 21वें साल में पदार्पण करते हैं तो उसके पहले भी जो है संघ द्वारा उनको महाथेरो की जो है उपाधि प्रदान की जाती है। उसमें संघ के द्वारा जो स्थवीर या महास्थवीर के लिए जो कम्मवाचा विनय पिटक में बताई गई है उसका जो है संगायन जो बड़े महास्थवीर भिक्षु होते हैं उनके माध्यम से उसका पठन होता है, सज्जायन होता है। उसी के बाद जो है महास्थवीर लोग उन भिक्षुओं को जिनका 20 साल पूरा हो चुका होता है या 20 वर्षवास वे पूरे कर चुके होते हैं उनको फिर इस प्रकार से महास्थवीर की उपाधि प्रदान करते हैं। भंते जी, एक बात और भी स्पष्ट करवाना चाहेंगे आपसे हमारे दर्शकों के लिए कि स्थवीर और थेरो ये क्या अलग अलग परंपराएं हैं या फिर ये दो अलग अलग नाम तो दिखाई देते हैं, इसे क्या कहें? थेरो या स्थवीर ये दोनों ही पाली के थेरवाद जो परंपरा है उसी में दोनों के एक ही नाम है, थेरो या स्थवीर, महाथेरो या महास्थवीर, यह भी जो है थेरवादी भिक्षुओं को जो है पाली में कहा जाता है। और वे स्थवीर और थेरो वे अलग अलग नहीं है तो एक ही नाम है, और महास्थवीर, महाथेरो यह भी एक ही जो है उपाधि है। जी, बहुत धन्यवाद। इस समय हम देख रहे हैं कि महाथेरो या फिर आप महास्थवीर कहे नाग दीपांकर भंते जी, जो जिनसे कई बार हमारी बातचीत होती है। भंते, आज महास्थवीर इस उपाधि के साथ आप फिर भिक्षु जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक महास्थवीर नाग दीपांकर जी, इनका अगर संदेश इस वक्त लेना चाहें तो ये संदेश क्या होगा?
बौद्ध धम्म के आरंभ काल में यानी धम्म क्रांति के 56 के धम्म क्रांति के बाद में इस हरदास घाट कनाल में 1975 में आज के दिन पहला भदंत धम्मकीर्ति जी ने उपसंपदा विधि संपन्न किया था। उसके बाद 1977 में भी यहाँ उपसंपदा विधि हुई और 2003 में या कई बार यहाँ उपसंपदा विधि हुई, क्योंकि यह उद्दक सीमा है और जब महाराष्ट्र में कहीं सीमा नहीं थी तो पहली बार विधि करने का एकमेव स्थान यानी कनाल नदी रहा। और इसलिए 2003 में हमने हरदास मेले के दिन ही वो 1975 के जो पुनरावृत्ति उसे करने का प्रयास किया और आज भी उसे 21 साल पूरे हो गए उपसंपदाओं को। और आज हम धम्म क्रांति के प्रभाव में, यानी कि जैसे कि बाबू हरदास एलेन, बाबा साहब अम्बेडकर और इनके समकालीन लोगों का जो अम्बेडकर विचारधारा से जुड़ा हुआ विचार प्रवाह है, इस विचार प्रवाह के माध्यम से भारत में बौद्धमय भारत के निर्माण के दृष्टिकोण से हम संकल्पबद्ध कहते हैं कि बाबा साहब को अपेक्षित धम्म क्रांति इस देश में स्थापित हो और उसके लिए हम स्तवीर महास्तवीर या जिस भी पोस्ट पे जाए, मगर एक श्रमण है और श्रमण जीवन में पदार्पण करते समय कि डॉक्टर भदंत आनंद कसलन जैसे कहते थे कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का एक सिपाही हूँ, उसी प्रकार हम भी बाबा साहब के मिशन के जुड़े हुए या बाबा साहब के प्रज्ञा चक्षु से तथागत बुद्ध के धम्म को प्रसारित करने का प्रयास करने वाले एक अच्छे धम्म प्रचारक बनने का और बनाने का संकल्प इस आज के अवसर पर लेते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद भंते जी। इस समय देख रहे हैं कि ये तो हुई बात यहाँ जो महास्थवीर महाथेरो ये जो उपाधि हैं, इस उपाधि के प्रदान करने की प्रक्रिया का ये जो एक छोटा सा संदेश है, वो संदेश हमने कन्हान नदी के इस किनारे से आप तक पहुँचाया।